हम भगवान से मांगते हैं, भगवान हमारी फला फला इच्छा पूरी कर देना। एक बहुत पुरानी कहानी है जिसमें बहुत बड़ी सीख छुपी है। एक आदमी कई देशों का यात्रा करके अपने दोस्त के घर लौटा। वो रात उन्हीं के यहाँ ठहरा। उसने अपने दोस्त को बताया कि यात्रा के दौरान एक अनोखी चीज उसके हाथ लगी है, एक ताबीज। ये एक ऐसा चमत्कारी ताबीज है जो किसी का भी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है। उसने आगे कहा, मैंने सोचा था कि ये तुम्हें दूंगा, पर अब मैं डरता हूँ कि दूं या ना दूं। मेरी भी 3 इच्छाएं इस ताबीज ने पूरी की है, मगर परिणाम बहुत भयंकर थे। और जिन जिन को भी ये मैंने ताबीज दिया, उनकी इच्छाएं तो पूरी हुई, पर बहुत खतरनाक तरीके से। ये सब बातें दोस्त की पत्नी सुन रही थी। तुरंत उसने अपने पति से ताबीज मांगने को कहा। पति के मन में भी 3 इच्छाएं पूरी करवाने का लालच तो था, पर साथ ही साथ डर भी था। पर पत्नी तो अड़ गई और बोली, उन्होंने जरूर गलत तरीके से मांगा होगा, इसलिए सबको पीड़ा हुई। हम बिल्कुल ठीक तरीके से मांगेंगे। आखिरकार उन दोनों के हाथ में था ताबीज। सोच में पड़ गए कि क्या मांगे। पत्नी ने कहा, 1,00,000 रुपए मांग लो। उस समय 1,00,000 रुपए बहुत बड़ी बात थी। आखिरकार दोनों ने मिलकर मांग ही लिए 1,00,000 रुपए। ताबीज अचानक से झटक कर हाथ से गिर गया, मतलब मांग पूरी हुई। कुछ देर बाद ही दरवाजे पर दस्तक हुई। राजा के सैनिक दरवाजे पर थे। उन्होंने सूचना दी, उनका जो लड़का सेना में भर्ती था वो मारा गया। मुआवजे के तौर पर राजा ने 1,00,000 रुपए भेजे हैं। दोनों सिर पीट कर रोने लगे, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। दोस्त ने तो पहले ही कहा था कि इच्छाएं तो पूरी होंगी, लेकिन भयंकर तरीके से। पत्नी ने रोते हुए पति से कहा कि दूसरी इच्छा भी मांग लो, हमारा बेटा जिंदा हो जाए। दोनों ने फिर से ताबीज उठाई और मांगा कि मेरा बेटा वापस जीवित हो जाए। ताबीज फिर से झटक कर जमीन पर गिर गया, मतलब इच्छा पूरी हुई। कुछ देर बाद दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। उन्होंने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था, पर एक आवाज आई, माँ मैं आ गया। ये तो उनके बेटे की आवाज थी, पर वहां कोई नहीं था। बस एक साया महसूस हो रहा था, जिसकी आवाज हूबहू उनके लड़के के जैसे थी। वो कोई और नहीं, उनके लड़के का प्रेत था, क्योंकि उसके शरीर का दाह संस्कार किया जा चुका था, इसलिए वो अपना शरीर धारण नहीं कर सका और प्रेत योनि में चला गया। ये और भी भयंकर परिस्थिति थी। चाहे कितना भी प्रिय हो कोई, उनकी मुक्ति सब चाहते हैं, कोई भी नहीं चाहता कि कोई प्रेत योनि में भटके। अब दोनों को कुछ समझ नहीं आया कि क्या मांगे अब इस ताबीज से। बस वो जोर जोर से चिल्लाए कि हमारे बेटे को इस प्रेत योनि से मुक्त कर दो, और ये कहते हुए उन्होंने ताबीज बहुत दूर फेंक दिया। दोस्तों, हम हमेशा मांगते हैं क्योंकि हमें वो चाहिए, चाहे वो हमारे लिए अच्छा हो या ना हो। वो जो बैठा है ना ऊपर, वो अदृश्य शक्ति, वो चाहे जो भी हो, वो जानता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। उससे वो मत मांगिए जो हमें चाहिए, उसे हमें वो देने दीजिए जो हमारे लिए सही है। एक समझदार व्यक्ति ईश्वर से कभी नहीं कहता, मेरी प्रार्थना पूरी कर। वो हमेशा यही कहता है कि जो तेरी मर्जी है वही करना। बस एक बात याद रखिए, आपके हर चाल के बाद अगली चाल वो चलता है।